मैं तो उस बात पे भी हैरान हूँ कि कैसे पता चला होगा कि कहाँ पे वो है, किस कंटेनर में छुपे हुए हैं, ये सब पता करना कमाल की बात है। और अब मेन प्रॉब्लम ये आ गई है कि इतने सारे हैं वो, कि वो उस शिप के अंदर पता नहीं, अब शिप वो अकोमोडेट नहीं कर पाएगी, तो अब वो कैसे उसको करेंगे सॉल्व सॉल्यूशन को। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों एक बार फिर द लिबरल हिंदू का मिक्स रिएक्शन लेकर आया हूँ। आप में से कई लोग हैं जो जिनको द लिबरल हिंदू के मिक्स रिएक्शन पसंद आते हैं, तो सोचा ये वाले वीडियो पे भी मिक्स रिएक्शन बनाता हूँ। तो ये घटना 2015 में हुई थी, यमन और सऊदी के बीच में युद्ध हो रहा था, तो वहीं पे से हमारे कई सारे नागरिक फंसे थे, उनको रेस्क्यू करना था। तो ये वॉरशिप को डिप्लॉय जो पायरेट से प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था, उसको वहाँ से हटाकर यमन की ओर बढ़ने के लिए कहा गया था, और वहाँ पे जो हमारे नागरिक फंसे उनको रेस्क्यू करना था। तो देखते हैं आज का मिक्स रिएक्शन और जानते हैं ये पूरी सिचुएशन क्या थी। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर 2001 में 9/11 ना हुआ होता तो एक साल पहले 12 अक्टूबर के दिन हुई ये घटना आज भी लोगों को याद होती। अमेरिकन नेवी के सबसे शक्तिशाली युद्ध पोतों में से एक 6000 टन का डिस्ट्रॉयर यूएसएस कोल तेल भरने के लिए यमन के एडन बंदरगाह पर खड़ा हुआ है। दोपहर हो चुकी थी और इस जहाज में सवार सेलर्स खाना खाने की तैयारियों में लगे हुए थे कि तभी एक छोटी सी बोट इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। यूएसएस कोल के पास पहुंचते ही इस नाव में सवार दोनों आदमी ऊपर देख कुछ बड़बड़ाने लगते हैं और फिर कुछ क्षणों बाद एक बहुत जोर का विस्फोट पूरे समुद्र को हिला देता है। बोट के साथ खुद को उड़ा देने वाले ये दोनों आदमी आतंकी थे और इनकी ये बोट 300 किलोग्राम विस्फोटकों से भरी हुई थी। इस हमले में 17 अमेरिकी फौजी मारे जाते हैं जबकि 37 घायल होते हैं। इस धमाके की तीव्रता इतनी भीषण थी कि इसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर की बॉडी में 40 फीट गहरा गड्ढा बना डाला था। 300 से ऊपर। अगर दो लोगों से लदी एक छोटी सी नाव दुनिया के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप को पंगु बनाने के लिए काफी थी, तो इसका मतलब ये था कि अंतरराष्ट्रीय पानी में ऑपरेट करने का गेम हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। क्योंकि अगर वहां पे अटैक हो सकता है तो बहुत रिस्की है, प्रोटेक्शन के साथ जाना पड़ेगा ना। यही सोचते हुए अरब की खाड़ी में मौजूद इंडियन नेवी का एक कमांडर अपने वॉरशिप को उसी बंदरगाह की तरफ घुमा रहा है जहां 15 साल पहले यूएसएस कोल के परखच्चे उड़ा दिए गए थे। ये वो समय है जब यमन में युद्ध छिड़ा हुआ है, सऊदी फाइटर विमान आसमान से आग बरसा रहे हैं और ऐसे में हजारों भारतीय नागरिक यमन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। उसी को निकाल, लेकिन इंडियन नेवी का ये कमांडर और इसके 150 साथी यमन में फंसे एक भी भारतीय को पीछे नहीं छोड़ने वाले, चाहे इसके लिए इन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा ही क्यों ना रहना पड़े। सैक्रिफाइस तो करती है हमारी आर्मी। अपने देश के हजारों नागरिकों की जान बचाने के लिए इंडियन नेवी के ये वीर अपने प्राण दांव पर लगाने वाले थे। जिद पर अड़ चुके ये भारतीय नौसैनिक बार बार जलते नरक के मुंह में घुस के बाहर निकलने वाले थे। ये ऐसा करने वाले थे क्योंकि इनके लिए अब सवाल इनकी ड्यूटी का नहीं बल्कि देश के गौरव का बन चुका था। देश की रक्षा और नागरिकों की रक्षा पहले उनके लिए। बाय द वे म्यूजिक मेरा मैंने लगाया है कॉपीराइट की वजह से, उनका म्यूजिक नहीं करना पड़ा। मूवी की तरह भी है।
नमस्कार, जय मां भारती। मार्च 2015 ये वो समय था जब यमन के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। अनेकों हथियारबंद गुट सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और इस आग में घी डालने का काम करते हुए सऊदी अरब ने ताबड़तोड़ हवाई हमले करना भी शुरू कर दिया था। हालत कुछ ये हो चुकी थी कि यमन के आसमान में ड्रैगन्स की तरह मंडरा रहे सऊदी F-16 अपने मुंह से आग छोड़ रहे थे और नीचे जमीन पर चारों तरफ खासतौर पर यमन के तटीय इलाकों में भीषण त्राहि-त्राहि मची हुई थी। इसी दौरान इंडियन नेवी के कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी अरब की खाड़ी में अपने वॉरशिप को ले जिबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। अफ्रीका का एक बहुत ही छोटा सा देश जो यमन के बिल्कुल सामने है। दोनों देशों के बीच खारे पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। 150 नौसैनिकों से लैस इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर अरब की खाड़ी में एक एंटी पायरेसी मिशन पर डिप्लॉयड था जब 26 मार्च 2015 के दिन कमांडर मोकाशी को खबर मिलती है कि यमन के ऊपर सऊदी ने आक्रमण कर दिया है। ये समाचार मिलते ही सबसे पहली चीज जो कमांडर मोकाशी के दिमाग में आती है वो थी यमन में फंसे हुए उनके देशवासी। वो जानते थे कि यमन में हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। इंडियन नेवी का वॉरशिप INS सुमित्रा अरब की खाड़ी में कुछ भारतीय व्यापारी जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहा है और इसके CEO कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी के दिमाग में USS कोल की घटना उछाल मार रही है। अभी 20 दिन पहले ही कमांडर मोकाशी अपने 150 नौसैनिकों के साथ इंडियन नेवी के इस नए नवेले वॉरशिप को लेकर एडन की खाड़ी पहुंचे थे। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और लुटेरों से संक्रमित समुद्री रास्ते से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा सौंपा गया था। 29 मार्च 2015 के दिन कमांडर मोकाशी की कमांड में INS सुमित्रा जिबूती की तरफ बढ़ रहा था कि उन्हें तुरंत वापस घूम एडन बंदरगाह पर पहुंचने का आदेश दे दिया जाता है। वही बंदरगाह जहां 15 साल पहले दो आतंकियों ने USS कोल को मलबे में तब्दील कर दिया था। इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलते ही कमांडर मोकाशी का मन खुशी से भर जाता है और वो ये मैसेज सबसे पहले INS सुमित्रा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ शेयर करते हैं और फिर ये दोनों भारतीय नौसैनिक अपने जहाज के डेक से डूबते हुए सूरज को देखते देखते यमन में होने वाले रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आदेश मिला, प्लानिंग शुरू। अगले 36 घंटों के दौरान INS सुमित्रा का क्रू बिल्कुल चुपचाप लेकिन पूरे जी जान से इस ऑपरेशन के लिए अपने वॉरशिप को तैयार करना शुरू कर देता है। लेकिन ये तैयारी ही सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी। असल में INS सुमित्रा एक ब्रांड न्यू शिप था जिसे अभी केवल 6 महीने पहले ही इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। बहुमुखी गुणों के धनी इस फुर्तीले वॉरशिप को हर प्रकार के समुद्री वातावरण में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। एडन की खाड़ी के लिए निकलने से पहले कमांडर मोकाशी ने INS सुमित्रा को एंटी पायरेसी मिशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था। लेकिन अब उनके ऑर्डर्स पूरी तरह बदल चुके थे। अब उन्हें अपने इस जहाज के साथ साथ अपने क्रू को भी एक बिल्कुल ही अलग मिशन के लिए तैयार करना था और इसके लिए उनके पास केवल कुछ ही घंटे थे। एंटी पायरेसी की तैयारी थी लेकिन अब रेस्क्यू मिशन INS सुमित्रा पर मौजूद हर आदमी 31 मार्च 2015 की रात जागते हुए बिताता है और अगले कुछ घंटों तक ये 150 नौसैनिक आगे आने वाली हर संभव चुनौती का सामना करने की तैयारियों में लगे रहते हैं। उनका ये जहाज जिसे 150 हाईली ट्रेन्ड सेलर्स को कैरी करने के लिए बनाया गया था अब उसमें सैकड़ों सिविलियंस की बाढ़ आने वाली थी। ऐसे सिविलियंस जिनमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बूढ़े औरतें और बच्चे भी शामिल होने वाले थे। इसके ऊपर जहाज में जगह के साथ साथ राशन भी बहुत ही सीमित मात्रा में था। इसका मतलब ये था कि अगले कुछ दिनों तक इस जहाज पर मौजूद नौसैनिकों को भूखे पेट सोना था। इनको भूखे पेट सोना था क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि यमन से रेस्क्यू किए गए इनके देशवासी भूखे पेट सोने। 150 लोगों के लिए ही तो खाना था बड़ा, अब उसमें पता नहीं 400-500 लोग और आएंगे। INS सुमित्रा पर मौजूद हर नौसैनिक को USS कोल के बारे में पता था। उनको पता था कि वो उसी बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां 15 साल पहले अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर घात लगा के हमला किया गया था। कमांडर मोकाशी INS सुमित्रा पर मौजूद 8 मार्कोस की एक टीम को अपने हथियारों और बोट के साथ तैयार होने का आदेश दे देते हैं। एंटी टेरर ऑपरेशंस में ट्रेंड इस मार्कोस टीम को जहाज के चारों तरफ के एरिया को सैनिटाइज करके सिक्योरिटी की एक अभेद्य लेयर बनानी थी। इसके अलावा हथियारबंद नौसैनिकों की एक टीम को भी हर प्रकार की जमीनी मुठभेड़ के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया जाता है। अपने सबसे पहले मानवीय मिशन पे जा रहा इंडियन नेवी का केवल 6 महीने पुराना ये वॉरशिप रणभूमि में कदम रख चुका था।
तैयारी किसकी थी और जाना कहाँ पर? 31 मार्च की दोपहर होते होते आईने सुमित्रा की दूरबीन पर एडन बंदरगाह का दृश्य उभरने लगता है। बंदरगाह 50 किलोमीटर की दूरी पर था और कमांडर मुकाशी समेत उनके क्रू के कानों में युद्ध की पहली आवाजें पड़ना शुरू हो चुकी थी। आसमान से गिरते गोलों की धड़ाम और धमाकों से उफान मारते पानी के बीच आईने सुमित्रा एडन बंदरगाह की तरफ बढ़ता रहता है, जो धुएं की एक विशाल काय चादर में लिपट चुका था। एडन बंदरगाह से 22 किलोमीटर दूर पहुंचते ही आईएनएस सुमित्रा रुक जाता है। इस पोर्ट को सामान्य ऑपरेशंस के लिए बंद किया जा चुका था। सऊदी अरब इसके एयर स्पेस को कंट्रोल कर रहा था और आसमान में मंडराते उसके फाइटर जेट्स रुक रुक कर गोले बरसा रहे थे। कमांडर मोकाशी जानते थे कि बिना सऊदी की अनुमति के और आगे बढ़ना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अपनी बाइनोकुलर से उस समय के दुनिया के सबसे खतरनाक बंदरगाह को देखते हुए कमांडर मोकाशी सऊदी से अनुमति मिलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन सऊदी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आता। इसके ऊपर ना ही ग्राउंड पर मदद करने वाली कोई आंखें थी और ना ही वास्तविक सिचुएशन के ऊपर कोई इंटेलिजेंस। ऐसे में और कोई रास्ता ना दे, कमांडर मोकाशी सपोर्ट के लिए अपने हेडक्वार्टर्स को मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आवश्यक जानकारी देने का काम उस देश में रहने वाले डिप्लोमेट्स के जिम्मे होता है, लेकिन यमन में मौजूद सभी भारतीय डिप्लोमेट्स देश की राजधानी सना में थे, जो इस बंदरगाह से लगभग 400 किलोमीटर दूर थी। इसको भाग्य ही कहा जा सकता है कि ऐसे विकट समय में भी एडन के अंदर भारतीय मूल का एक स्कूल प्रिंसिपल रह रहा था और इसने भारत सरकार से ऑनररी काउंसिल का पद भी स्वीकार किया हुआ था। कमांडर मोकाशी तुरंत इस प्रिंसिपल का नंबर डायल कर ईश्वर से कॉल कनेक्ट होने की प्रार्थना करने लगते हैं। दो तीन बार ट्राई करने पर कॉल कनेक्ट हो जाती है और कुछ घंटियां जाने के बाद वो प्रिंसिपल फोन उठा लेता है। अब तो सारा काम फटाफट हो जाएगा। यही सोचते हुए कमांडर मोकाशी एडन में मौजूद इस प्रिंसिपल से कहते हैं कि वो अपने क्रू को पोर्ट की तरफ फाइनल अप्रोच करने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन फोन की दूसरी तरफ मौजूद ये भारतीय इतना ज्यादा आशावादी नहीं था। तनाव भरी आवाज में वो कमांडर मोकाशी से कहता है, कमांडर 5:30 बजे के बाद कुछ भी करना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि दिन छिपने के बाद बोट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो वो भी सेफ नहीं। 4 बज चुके थे और अभी तक सऊदी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया था। हमें पोर्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, उनका ऑर्डर जब आएगा तब आएगा। ये सोचते हुए कमांडर मोकाशी अपने दिमाग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने लगते हैं। आईने सुमित्रा के डेक पर खड़ा उनका क्रू अपने ऊपर आसमान को सुनहरा होते हुए देखने लगता है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये सुनहरापन अंधेरे में बदल जाता है। पहले से ही अत्यंत खतरनाक रेस्क्यू मिशन अब कई हजार गुना और खतरनाक हो चुका था। रात हो चुकी थी और अभी तक सऊदी अरब ने कमांडर मोकाशी को पोर्ट की तरफ बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। अब और इंतजार नहीं कर सकते, जो होगा सो देखा जाएगा। मन ही मन ये कहते हुए कमांडर मोकाशी अपनी मार्कोस टीम को पोर्ट की तरफ बढ़ने का आदेश दे देते हैं। अपनी अपनी असॉल्ट राइफल्स और साइड आर्म्स को चेक करने के बाद ये 8 मरीन कमांडोज एक वैनगार्ड बोट को पानी में उतारते हैं और फिर उसमें सवार हो इस प्राचीन बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगते हैं। रिस्क कितना होता अगर कुछ हो जाता है इन लोगों को? तो फिर भारतीय मार्कोस की टीम आईएनएस सुमित्रा की तरफ बढ़ने की कोशिश करने वाली किसी भी बोट पर नजर रखते हुए बिना कोई आवाज किए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये मरीन कमांडोज जानते थे कि इस इलाके में आतंकी संगठनों की कोई कमी नहीं है और ये आतंकी एक विदेशी जहाज के ऊपर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। अपनी सांसें रोके बोट में सवार ये 8 मार्कोस थोड़ी देर बाद पोर्ट पर पहुंच जाते हैं और फिर अत्यंत सावधानी से अपनी बोट को डॉक करने के बाद एक एक करके नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। पोर्ट के चारों तरफ अच्छे से नजर फिराने के बाद मार्कोस का टीम लीडर कमांडर मोकाशी को मैसेज करके कहता है, सर अभी तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन अगले क्षण कुछ भी हो सकता है और वो क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें जो भी करना है वो बहुत ही जल्दी और बिल्कुल चुपचाप करना होगा। क्योंकि मार्कोस के टीम लीडर से सिग्नल मिलते ही कमांडर मोकाशी अपने एक्सो को पोर्ट की तरफ बढ़ने का आदेश दे देते हैं। लगभग सुनसान पड़ चुका एडन शहर गोलियों और धमाकों के शोर से गूंज रहा था। इस शोर के बीच कमांडर मोकाशी इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर से भेजे गए मैप्स को डाउनलोड करते हुए अपने क्रू को हाई अलर्ट मोड में रहने का आदेश दे देते हैं। वाह,
इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं होती। जैसे ही आईएनएस सुमित्रा एडन के तट से 6 किलोमीटर दूर पहुंचता है, कमांडर मोकाशी को ग्राउंड पर मौजूद अपनी मार्कोस टीम से एक और मैसेज मिलता है। इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज ने पोर्ट पर कई भारतीय नागरिकों को ढूंढ निकाला था। बहुत ज्यादा सहमे हुए ये भारतीय नागरिक अपनी जान बचाने के लिए कंटेनर्स के अंदर छिपे हुए थे। बच्चे और सभी होंगे जो जो ये मैसेज मिलते ही कमांडर मोकाशी का चेहरा खुशी से खिल जाता है, लेकिन जैसे ही मार्कोस टीम उनको दूसरा मैसेज देती है तो उनकी खुशी चिंता में बदल जाती है। अपनी जान बचाने के लिए पोर्ट पर छिपे इन भारतीयों की संख्या 350 के आसपास थी, एक संख्या जो आईएनएस सुमित्रा की क्षमता और क्रू की तैयारियों के हिसाब से कहीं ज्यादा थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और ये पहला पार्ट था इस पूरे वीडियो का। मैं दूसरा पार्ट भी जल्द ही इस पे बनाकर अपलोड कर दूंगा, आज ही कर दूंगा शायद। तो सबसे पहले तो द लिबरल हिंदू की बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं और जैसे कोई मूवी देख रहा है ऐसा ही वो अपना वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो जो म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो उसके कॉपीराइट के बहुत ही इश्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा उनके वीडियोस बना नहीं पाता क्योंकि मुझे उनमें से सब म्यूज़िक निकालना पड़ता है, फिर सिर्फ वोकल यूज़ करके थोड़ा अपना म्यूज़िक लगा के वीडियो बनाना पड़ता है, तो उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके से एडिट कर करके उनके बहुत सारे जो अच्छे अच्छे वीडियो है वो उन पे मिक्स रिएक्शन बनाऊँ। और जहाँ तक बात रही हमारे वॉरशिप की वहाँ पे रेस्क्यू मिशन पे जाने की, तो उन्होंने प्रिपेयर तो वो पायरेसी से प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिशन पे तो निकले थे और तैयारी भी उसी तरीके से की थी। और उस जहाज पे शायद 150 लोग थे, उसकी खाने की और जो ज़रूरत की चीज़ें होती उनकी तैयारी की थी, लेकिन उनको ऑर्डर मिलते हैं कि यमन में जो हमारे नागरिक फंसे उनको रेस्क्यू करने के लिए जाना है। तो वहाँ पे कितने लोग थे और कुछ उनका इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो जब वो उनको रेस्क्यू भी करेंगे तो उनके खाने पीने की और जो और भी ज़रूरत है वो कम ही पड़ने वाली है, क्योंकि इनकी तैयारी तो सिर्फ 150 की थी, लेकिन अब वो 150 प्लस जो वहाँ से रेस्क्यू करेंगे उनके लिए भी खाने का इंतजाम करना पड़ता है। तो इसलिए इस वीडियो में बता रहे थे कि शायद हमारे आर्मी के जवानों को भूखा भी रहना पड़े ताकि वो जो वहाँ से रेस्क्यू किए गए लोग हैं उनको खाना खिला सके और पानी पिला सके। तो यही तो सेक्रीफाइस है हमारे आर्मी की, जो एक बार भी नहीं सोचते कि अपने बारे में, लेकिन जो मिशन पे गए हैं हमारे देश के बारे में सोचते हैं और नागरिक के बारे में, उनको सुरक्षा देने के बारे में हमेशा सोचते हैं। और जो वहाँ पे जा रहे थे वो भी खतरे से खाली तो था नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी सऊदी और यमन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो और सऊदी की तरफ से अभी जवाब भी नहीं आया था कि वो थोड़ी देर के लिए या कुछ घंटों के लिए वॉर रोक रहे हैं या नहीं, तो और वहाँ की कोई करंट सिचुएशन का कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, तो ये बहुत ही रिस्की था। लेकिन फिर भी जैसे ही ऑर्डर मिले तो हमारे जवान रेडी थे वहाँ पे जाके रेस्क्यू करने के लिए। और इसके इस घटना के बारे में सुषमा स्वराज जी ने इसका जिक्र भी किया था, एक कॉन्फ्रेंस या कुछ था उसमें उन्होंने जिक्र भी किया था कि कैसे यमन और सऊदी दोनों को उन्होंने फ़ोन लगाया और बातचीत की थी कि अगर वो युद्ध रोक सकते हैं ताकि हम हमारे नागरिकों को वहाँ से निकाल सकें। तो उसके इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि वहाँ जाने के बाद क्या सिचुएशन थी और कौन कौन सी मुश्किलें का सामना करना पड़ा और एंड में क्या हुआ। तो दूसरा पार्ट देखने के लिए आप नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी ये दूसरा पार्ट अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।